अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अभी तक अटमन 2021 के रिज़ल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकवे शिकायत आ रही हैं, और वो यही है कि सर हमारे जो पेपर थे उसमें ज़ीरो मार्क्स हैं, फ़लाँ सब्जेक्ट्स में हमारे ज़ीरो मार्क्स हैं, फ़लाँ सब्जेक्ट में हमारे ज़ीरो मार्क्स हैं, तो हमने रिवाइज़ करना है, हमने इस रिवीजन मतलब चेक करवाना है, पेपर नंबर काउंट करने हैं, तो कैसे करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो BA BCom AD के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट 8/1/2021 का आया हुआ है, उसमें फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में ज़ीरो आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहले नंबर पे तो आपने चेक करना है कि आया कि आप लोगों ने अपना पेपर दिया था या नहीं दिया था, ये आपने अच्छे तरीके से तसल्ली से बैठ के सोच सोच के याद करना है पिछला क्या है कि आप लोगों ने पेपर भी दिया था या नहीं दिया था। अगर तो आपने पेपर दिया था तो फिर आपके ज़ीरो, फिर भी ज़ीरो मार्क्स हैं, पेपर भी दिया है फिर भी ज़ीरो मार्क्स हैं, तो फिर क्या करेंगे। फिर आप इस तरीके से अपनी एक रिवीजन एप्लीकेशन है लमक बाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, रिवीजन एप्लीकेशन का एक प्रिंट निकालना है, ठीक है, एक फॉर्म होगा, एक ही पेज का होगा, ठीक है, उसको अपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने उसको फिल करना है, ठीक है, फिल करना है। फिल करते वक्त आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक पे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अपना नेम वगैरह लिखना है, ठीक है, और जहाँ पे आपका अपना रोल नंबर है वहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर वहाँ पे आपका आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद बाकी सारी चीज़ें आपने कंप्लीट फिल करनी है। कंप्लीट फिल करने के बाद आपने क्या करना है, रोल नंबर स्लिप की जो कॉपी है वो उसके साथ अटैच करनी है। फॉर्म को फिल कर लिया, फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने रोल नंबर स्लिप की कॉपी लेनी है, उसके बाद अपने आईडी कार्ड की भी कॉपी लेनी है। दोनों कॉपीज़ को आपने अटेस्टेड करवा लेना है या वैसे भी भेज दें, ठीक है। फिलहाल जो लिखा हुआ है वहाँ पे तो जस्ट यही कहा हुआ है कि आईडी कार्ड उसकी कॉपी और इसके अलावा हमारे पास रोल नंबर स्लिप की कॉपी, ये आप लोगों ने अटैच करनी है। ये दोनों अटैच करने के बाद आपने बजरिया पोस्ट भेजनी है। पोस्ट पे कहाँ पे किस बंदे को भेजनी है, ठीक है, किस शोबे में भेजनी है, एड्रेस आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एड्रेस लिखते वक्त आपने गलती नहीं करनी। अगर वहाँ पे गलती की तो फिर आपका ये सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा और आप किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। आपने केयरफुली जो ना वहाँ पे पता लिखना है, और पता ये इस पते पे लिखना है, शोभा इम्तहानात ब्लॉक नंबर 3 अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद। ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने एक लफाफे में डालना है और वहाँ पे अपना एड्रेस अपना नेम वगैरह लिखना है, और दूसरी साइड पे आपने ये वाला लिखना है और अपना फ़ोन नंबर लाजमी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रिवीजन वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपके पेपर के मार्क्स कितने हैं इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।